प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए 34,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 18,897 करोड़ की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ लागत की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूरा करती हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आप सभी ने हमें आशीर्वाद दिया है। आज इस आयोजन से इस बात की पुष्टि हो रही है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे विकसित छत्तीसगढ़ की नींव। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नारी सशक्तिकरण से मजबूत होगी। आज लगभग 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण हुआ। बिजली, सोलर, कोयला, कनेक्टिविटी से जुड़े परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ को आर्थिक मजबूती मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है, इसमें रात को भी बिजली मिलेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देना व बिजली बिल जीरो करना है। मोदी का हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, 1 करोड़ परिवार इसमें शामिल है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर भरोसा किया है। आपकी गारंटी के सारे कामों को पूरा करने के लिए हम अग्रसर हुए हैं। 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं। 3,716 करोड़ रुपए की 2 साल की बोनस राशि किसानों को दी है। साथ ही 3,100 रुपए धान की कीमत देने का क्या हुआ वादा पूरा किया गया है। विधानसभा चुनाव में आपने हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। आपके इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी, ये बात आज इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है। साथियों, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव